सावरी हुआ मेरे घर आती है और मुझे वॉर्न करती है कि मैं अम्मी से दूर रहूँ, लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं मना कर देता हूँ उन्हें कि मैं अम्मी से कभी दूर नहीं होऊंगा। किसी को इनसिक्योर होना है, जलूस होना होने दो, मैं अम्मी से दूर नहीं होने वाला। जी तो राज, अब आपको तो पूरी तरह से नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया गया है अम्मी के। जी तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरह से आप इस चीज़ को लेंगे और मैं ये बहाना मानूंगा कि मैं सुखी तंगल के साथ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो एक बहाना होगा मेरा कि घर में घुसने का, और एक और रीज़न शायद है, वो अभी बोल नहीं सकता आपको, लेकिन कुछ हो सकता है अभी आगे। तो जिस तरह से बुआ जी ने कहा कि आप अम्मी और समित के बीच में मत आइए, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप वाकई में उन दोनों के बीच में आ गए? आ रहा हूँ ना, मुझे ज़बरदस्ती आना है उनके बीच में, मुझे नहीं, साथ में नहीं चाहिए दोनों। तो मुझे कुछ बात का अफसोस नहीं है कि मैं उनके बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव, एंड कुछ भी करूँगा मैं। ठीक है, तो आप रूठी बुआ को मनाने की कोशिश किस तरह से की गई? वो मुझे पता नहीं कैसे मनाऊँगा, लेकिन मैं अम्मी को छोड़ने नहीं वाला कुछ भी हो जाए। जैसे कि आपके घर वाले की चीज़ है वो भी काफ़ी मना कर रही थी, अभी तो आपने प्रपोज भी नहीं किया। जी उन्हें कैसे मनाने वाले आप? जी जी तो मैं बोल दूँगा जी जी को मैं उन्हीं से प्यार करता हूँ, कैसे दूर रहो, जी जी समझ जाएगी। तो मानते हैं कि सब कुछ ओके हो जाने वाला है? हाँ हाँ, ज़रूर ओके होगा, मैं हूँ ना, सब ओके होगा।